हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट जो लेडी है, नेक्स्ट जो वुमेन है जिनका इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन है, वो है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इनका रिलेशन जो है वो INA से रहा है। तो देखते हैं एक छोटे से शॉर्ट नोट में लक्ष्मी सहगल के बारे में। एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं। बॉर्न इन 1914 इन मद्रास एज लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो उनका नाम जो है लक्ष्मी स्वामीनाथन था। 1914 में मद्रास में उनका जन्म हुआ। कंप्लीटेड MBBS इन 1938 और 1938 आते आते उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली थी और वे MBBS पूरा कर लिया था। 1940 लेफ्ट फॉर सिंगापुर और 1940 में जो है वो सिंगापुर के लिए निकल पड़ी। देन एस्टैब्लिश्ड अ क्लिनिक फॉर इंडियन लेबरर्स। उन्होंने सिंगापुर के अंदर जो है इंडियन लेबरर्स, इंडियन मजदूर जो थे उनके लिए एक क्लिनिक वहाँ सिंगापुर में बनाई। 1942 ब्रिटिश सरेंडर सिंगापुर टू द जापानीज। 1942 में जो है ब्रिटिश ने, जापान ने जो है सिंगापुर के ऊपर हमला बोल दिया। वर्ल्ड वॉर टू चालू हो गया था और ब्रिटिशों ने सिंगापुर जो है जापानीज को सरेंडर कर दिया। इन 1942 आफ्टर द ब्रिटिश सरेंडर्स टू जापान एंड लक्ष्मी सहगल केम इन कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स। तो वहाँ जो है 1942 में ब्रिटिशों ने सरेंडर कर लिया था जापान को और फिर जो है POWs यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, तो उनकी सेवा करते वक्त जो है वे उन लोगों के कांटेक्ट में आई। सम पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग INA और कुछ लोग INA क्या INA स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे। On 2nd July 1943, नेताजी बोस arrived सिंगापुर एंड नेताजी spoke अबाउट his determination टू raise a women's regiment। तो हमने नेताजी बोस के वीडियो में देखा कि कैसे नेताजी का रूट था केप ऑफ गुड, जर्मनी से वो निकलते हुए केप ऑफ गुड होप के जरिए वो सिंगापुर पहुंचे थे। तो 1943 में जब नेताजी सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने भाषण में कहा कि वे जो है विमेंस रेजिमेंट बनाने की इच्छा रखते हैं। दिस रेजिमेंट हैड गिवन द नेम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट एंड वुड फाइट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने जो है इस रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई दिया और ये जो रेजिमेंट है भारत की आज़ादी के लिए लड़ेगी। लक्ष्मी ज्वाइंड दिस रेजिमेंट एंड गॉट द रैंक ऑफ कर्नल। तो वो एक डॉक्टर थी, MBBS डॉक्टर थी, तो भी वे इस रेजिमेंट से जुड़ी और उन्हें जो है कर्नल का रैंक मिला। द आर्मी फॉट ऑन द साइड ऑफ एक्सिस पावर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। और ये जो INA की आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी थी, वो वर्ल्ड वॉर टू में एक्सिस पावर की तरफ से यानी कि जर्मनी इटली की तरफ से लड़ रही थी। दिस वॉज द फर्स्ट वुमेन रेजिमेंट इन एशिया और ये पहली वुमेन रेजिमेंट थी पूरे एशिया के अंदर, उसके बाद काफी बनी। शी वॉज ऑल्सो मिनिस्टर इन प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया और वे जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड के ऊपर स्थापित की गई थी जिसका नाम आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद रखा गया था और उसकी वे मिनिस्टर भी रह चुकी है। शी वॉज वन ऑफ द INA लीडर्स हु वॉज अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। और वो एक INA लीडर थी जिसे अरेस्ट करके इंडिया लाया गया था वर्ल्ड वॉर, जब INA ने सरेंडर कर लिया था तो INA लीडर्स को जो है इंडिया लाया गया था और उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए थे, उनमें से वो एक लीडर थी। बट शी वॉज रिलीज लेटर और बाद में जो है उन्हें छोड़ दिया गया। इन 1998 शी वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण एंड इन 2012 शी पास्ड अवे। तो 1998 में जो है उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया और 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। तो काफ़ी लंबी उनकी ज़िंदगी रही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारा चैनल है सिंपल कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमने 1000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं तो आपको प्रिपरेशंस में आसानी होंगी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।